अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और आज ईद का दिन है तो अभी मैं उठाऊँ और अब सब लोग हम जितने हैं वो ईद की तैयारी करेंगे, ईद की नमाज़ की, उसके बाद फिर ईद मनाएंगे। तो पहले तैयारी कर लेते हैं। ये वजू हो रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हो चुका हूँ। मैंने वाइट कुर्ता और शलवार कुर्ता पजामा मैंने पहन लिया है। अब दूसरे लोगों को देखते हैं उन्होंने क्या पहना है। ईद की नमाज पढ़ ली आपने? हाँ पढ़ी। और उसके बाद आपने खीर खा ली? नहीं खाई। खीर खानी है, अभी खाया नहीं है। मैंने तो खाया, हमने खीर खा लिया है। अभी बस बाहर जाएंगे अपने दोस्तों से ईद मिलेंगे। बाकी मेरी खीर अभी आ रही है। आ गई नहीं, गर्म है, जैसे खाऊँ, बहुत गर्म है। अच्छा तो भाई ईद भी पढ़ के आ गए और उसके बाद हमने खीर खा ली, और जो कि हमारा रिवायती अंदाज है, हम लोग ईद नमाज़ पढ़ के आने के बाद खीर खाते हैं। और उसके बाद मेरी ये छोटी बहन, ये भी माशाल्लाह तैयार होकर बैठ गई है। इसने आज अफगानी जोड़ा पहना हुआ है। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं, कमेंट में बताइएगा ये ड्रेस, ठीक है। क्या खा रहे हैं आप? बिरयानी खाई जा रही है भाई आज ईद का दिन है तो इसलिए बड़े शौक से। मतलब दोपहर का खाना आपके यहाँ पे बिरयानी? बिरयानी। दोस्तों से ईद वगैरह मिलके उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, सो गए थे, और अभी जैसे ही उठे तो दोपहर का टाइम हो चुका है खाने का। तो अभी हम लोग लंच कैसे? अच्छी बनी है, बहुत है मसाले वाली है, ऐसी मजे की, बहुत अच्छी बनी है। हाँ तो भाई बिरयानी खा ली मैंने, बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत जायकेदार थी। आपने खाई बिरयानी? मैंने भी खाई, बहुत ज़बरदस्त चिकन बिरयानी, मज़े वाली। मतलब ईद में नमाज़ पढ़ के जब हम लोग आते हैं घर पे तो पहले खीर खाते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने दोस्तों से अपने ईद वगैरह मिलने गए हम लोग, उसके बाद फिर अभी बिरयानी खाई। लेकिन उससे पहले थोड़ा रेस्ट किया, आराम, रात को पूरी रात जागे ना, तो इसलिए थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद अभी बिरयानी खाई, चिकन बिरयानी। और अब जो है ना, अब बाहर तो एक तो लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से धूप इतनी तेज़ है कि अब हम सोच रहे हैं थोड़ी देर और रेस्ट करें। और अब शाम का टाइम है तो बाहर तो जैसे कि मतलब मुख्तलिफ ममालिक में जैसे कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लिहाजा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो है लॉकडाउन है, जिसकी SOPs की वजह से जो है हम अपने घर में ही प्रोग्राम कर रहे हैं। बाहर तो कहीं जाना नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कि घर में ही कुछ मीठा वगैरह या कुछ खा लें, तो इसलिए आज हमने शाम का टाइम है तो आइसक्रीम वगैरह मतलब एक शुगल कर रहे हैं समझेंगे। हाँ तो आइसक्रीम मंगवाइए और आइसक्रीम देखते हैं फ्लेवर कौन सा मंगवाया है। तो ये है आइसक्रीम, हाँ मैंगो, जो कि हम बड़े शौक से खाते हैं ये मैंगो आइसक्रीम।
तो लिहाजा हमने सोचा अभी अभी तक गर्मी हो गई है, मैंगो नहीं आया है, मैं आम नहीं आया है बाजार में, लेकिन आइसक्रीम कैसे आ गई पहले? ये आइसक्रीम तो अभी तक आई है, कंपनी वालों की कमाल है, मतलब वो ज़ाहिर है फ्लेवर ही डालते, कौन सा मैंगो ओरिजिनल डालते। मैंगो आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना में खाने में बहुत मज़ा आ रहा है घरों में, क्योंकि आपने घर में बैठ के खा रहे हैं, खूब मज़ा कर रहे हैं। कोरोना ने हम लोगों को आइसक्रीम तो खिलाया और कुछ नहीं। नहीं अगर अगर ये हमारा हम लोगों को लेकिन आइसक्रीम खिलाया अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग कहीं पार्क वगैरह में जाते, रेस्टोरेंट जाते, लेकिन अभी सब बंद है तो हम लोग को घर पे ही इंजॉय करना पड़ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को आइसक्रीम? आइसक्रीम तो बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवर भी पसंद है हमारे, तो और भी ज़्यादा मज़ा। वैसे इस बार है कि लॉकडाउन की वजह से ईद ख़राब हुई है थोड़ी सी हमारी, है ना, कहीं घूमने नहीं गए, हाँ कहीं रिश्तेदारों के घर पर भी नहीं जा सकते हम लोग, अगर बाहर जाएँ तो भाई पुलिस वाले पकड़ते हैं हर जगह, मतलब खैर, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हर नेमत से नवाजा हुआ है हमें, और इतनी बड़ी ये भी समझो बहुत बड़ी नेमत है हम लोग के लिए। और आप लोग बताएं कि आपको हमारी ये ईद कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारी आइसक्रीम का भी बताना कि आइसक्रीम कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ तो आज दरअसल हमें डिनर की वीडियो शूट करनी थी, लेकिन मसला ये हुआ कि एक दोस्त ने दावत दी थी डिनर की, लिहाजा हमें मजबूरन उनके घर जाना पड़ा डिनर के लिए, तो वीडियो शूट नहीं हो सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताएं कि आपको हमारी ईद कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।